आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। संत कबीर नगर जनपद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 219 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। गोरखपुर जनपद में जीजा साले ने की थी नेपाली युवक की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 40,000 रुपए के कान का झुमका उड़ाने वाली महिला चोर गिरोह सीसीटीवी कैमरे में कैद। और आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने दिए 50-50 करोड़ रुपए की धनराशि। अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने संत कबीर नगर जनपद में जिला कारागार का उद्घाटन करने के साथ ही 219 करोड़ की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही 26 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास बटन दबाकर किया। आपको बता दें कि जनपद बनने के करीब 24 वर्षों बाद भी जिले को अपना जेल नहीं मिल पाया था, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने संत कबीर नगर में जिला जेल की सौगात देने के साथ ही अन्य कई सौगातें देने का काम किया है। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा बसपा पर भी जमकर प्रहार करते हुए कहा कि संत कबीर नगर पिछले 24 वर्षों से विकास की आस देख रहा था, लेकिन भाई भतीजा और जातिवाद के कारण विकास नहीं हो पाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की बात भी कही है। जनपद को जिसकी पहचान बाबा तमेश्वरनाथ धाम और महान सूफी संत संत कबीर दास जी के साथ जुड़ा हुआ है, इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए कुल 106 परियोजनाएं जो 219 करोड़ रुपए की लागत से है, इनका लोकार्पण और लगभग 26 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर संपन्न हो रहा है। किसी का भी बालबाका नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक 400 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। अहमदनगर में मेडिकल कॉलेज और विगत सत्र में तो हम लोगों ने बस्ती का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी कर दिया है, एमबीबीएस की प्रवेश भी वहां पर प्रारंभ हो गए हैं। आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वह बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज होगा और संत कबीर नगर जनपद में भी एक नया मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर जनपद में जीजा साले ने चंद पैसों के लालच में एक नेपाली युवक की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास करते समय पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मृत युवक की पहचान पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के रहने वाले कृष्णा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के एक होटल में बावर्ची का काम करता था। जो बीते 9 सितंबर को दिल्ली से गोरखपुर पहुंचा तो उसे दो रिक्शा चालक मिल गए। दोनों उसे बहला फुसला कर अपने रूम पर ले गए और उसका पैसा लूटने की नीयत से उसको शराब पिलाई और बाद में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद बोरे में शव रख कर उसे ठिकाने लगाने निकल पड़े, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती वो फरार हो गए। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिन्हें पुलिस गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है।
सितंबर 2021 को एक सूचना मिली थी रात्रि में 8:30 बजे के आसपास कि एक रिक्शे वाला जो है एक बोरी में एक व्यक्ति की लाश को लेकर जा रहा है। तो सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची थी और सीओ गोरखनाथ मौके पर पहुंचे थे और इंस्पेक्टर शाहपुर भी पहुंचे थे और उसी की जांच पड़ताल की जा रही थी। उसी क्रम में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 9 के आसपास 5:30 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है लालसा पुत्र उदित और दूसरा है ललन पुत्र मटुक बिहारी, दोनों जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। लालसा 55 वर्ष का है और ललन 30 वर्ष का है। ये दोनों रिक्शा चलाने का कार्य करते थे और इनसे पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि दिल्ली में ये व्यक्ति रहता था जो इसकी लाश मिली थी हमें, उसका नाम है कृष्णा पुत्र हेमलाल, निवासी गली नगर जिला सेगा नेपाल। ये शालीमार दिल्ली में काम करते थे शालीमार बाग में और वहाँ पर खाना बनाने का कार्य करते थे। 8 तारीख को ये व्यक्ति वहाँ आनंद विहार बस अड्डे से निकला था वहाँ से और यहाँ पे पहुँचा था। ये दोनों रिक्शे वाले उसको वहाँ मिले थे और वहाँ पे उन्होंने नशे में उसे मिला के अपने कमरे पे ले गए और वहाँ पे पैसे के लालच में और इसके पास एक मोबाइल फ़ोन था एंड्रॉइड था उसके लालच में उन्होंने इसकी हत्या कर दी। महानगर के सिविल लाइन्स स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में विश्व बंधुत्व दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय सनातन धर्म को विश्व मंच पर विशेष रूप से परिचित करने के स्मरण में विश्व बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित एवं माँ सरस्वती आर्य स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रबंधक प्रोफेसर यूपी सिंह एवं प्रभारी प्रमोद नाथ मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्हें एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गोरखपुर में पिछले कुछ वर्षों से गरबा डांडिया नृत्य का बड़ा ही क्रेज है। लोग बाग इस गुजरात के लोक नृत्य में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, खासकर महिलाएं। इस बार नवरात्रि बेला से काफी पहले ही आज शाहपुर इलाके में तमाम महिलाओं के बीच गरबा डांडिया नृत्य का वर्कशॉप शुरू हुआ जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। आइए आपको भी इसकी एक झलक दिखाते हैं। नमस्कार, शुभारंभ गरबा महोत्सव में तुम्हारो स्वागत छे। केम छो गोरखपुर? शुभारंभ गरबा महोत्सव लास्ट 4 ईयर से हो रहा है 2016 से और बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और सबका सपोर्ट के साथ में इस वर्कशॉप में 3 सेंटर्स हमने किए हुए हैं जो प्रैक्टिस के लिए सबके लिए। 3 सेंटर्स जो हैं वो है एक अचन सिंह चौराहा के पास में, एक है गोरखनाथ के पास में और एक है बख्शीपुर। 3 सेंटर में अलग अलग टाइमिंग के साथ में प्रैक्टिस की शुरुआत होगी और वो प्रैक्टिस जो है वो 13 सितंबर 2021 से कल से शुरू होगी मंडे से। गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज स्थित नेशनल मेडिकल में देर रात आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल दुकान मालिक राम गोविंद को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन इस आगजनी की वजह से दुकान में रखे लाखों की दवाओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर खाक हो गए। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर स्थित एक मैरिज हॉल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उपस्थित लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में 50 अल्पसंख्यक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान आयोजक डॉक्टर सतीश चंद्र श्रीवास्तव, परवीन शाहीन, कुंदन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय से भारत सरकार नई दिल्ली से मतलब हम लोगों को किया गया है कि हम लोग सीखें और कारोबार को अपना आगे बढ़ाएं। शिक्षा कौशल विभाग रोजगार के मतलब उस पे बताया गया है। मतलब ये सीखें हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में, जैसे हमको पैसा नहीं है तो सरकार द्वारा हमको मतलब लाभ मिलेगा, बाहर जाके पढ़ने की योजना है। सर, ये संगोष्ठी जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होती है, जिसमें जितनी भी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जितने भी कार्यक्रम योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनके बारे में इनको जागरूक करना, अवगत कराना, इसी के संबंध में एक संगोष्ठी आज आयोजित की गई। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के अपने चचेरे भाई
सतीश चौधरी उर्फ नागा चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं 25 साल तक समाजवादी पार्टी में रहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं, जिससे कि समता मूलक समाज की देश में स्थापना हो सके और हमारा देश खुशहाल रह सके। आम आदमी पार्टी क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में आप मैदान में होंगे, ऐसा है? पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, निर्देश होगा तो रहेंगे। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार के आदेशानुसार एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने आज पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान के दौरान उन्होंने मेस बैरक बाथरूम समेत तमाम जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद आरआई उमेश दुबे को कमियों को ठीक करने का निर्देश भी दिया। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ जनपद के सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पार्टी का टिकट ना देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में मायावती माफियाओं को टिकट ना देने को लेकर ऐलान पहले ही कर चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पर अपना विश्वास जताया है और उन्हें टिकट देने की घोषणा की है। वहीं मुख्तार अंसारी के सवाल पर मीडिया ने जब भीम राजभर से पूछा तो वे इस सवाल से बचते दिखे। आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के बाद आधारशिला रखने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जबकि विश्वविद्यालय अभियान के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने की बात पर अड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 50 करोड़ एवं केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय निर्माण के लिए दिए हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है और अब जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो, जिससे 2022 से पठन पाठन शुरू हो सके। आजमगढ़ जनपद में बहुत दिनों से राज्य विश्वविद्यालय के लिए अभियान जो चल रहा था, राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय दिया और आज संयोग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से 50 करोड़ और राज्य सरकार की तरफ से 50 करोड़ 100 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में आ चुका है। इसके लिए हम सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऋणी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम इसके साथ ही चाहते हैं कि आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है, वह निर्माण स्तरीय होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक अपनी आवाज़ भी बुलंद करना चाहेंगे कि उस परिसर में एक शिक्षा शिक्षकों के लिए शिक्षक सदन का भी निर्माण किया जाए। गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से महिला चोर गिरोह के सदस्य 40,000 के झुमके पर हाथ साफ कर फरार हो गई। पूरा मामला खजनी कस्बे के स्वर्ण व्यवसायी रामजी वर्मा की दुकान का है, जहां चार महिलाओं का गैंग आ पहुंचा और उन्होंने भीड़ का फायदा उठाते हुए व्यवसायी रामजी वर्मा को बातों में उलझाकर लगभग 40,000 के गहने पर हाथ साफ कर चलती बनी। जब मैं अपना दुकान का मेल मिलाने लगा तब तो मुझे पता चला कि एक झाला उसमें से कम है, तो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग बैक किए तब ये पता चला। इसमें हम ये चाहते हैं, इससे 20 दिन पहले भी ऐसी घटना घटी थी मेरी दुकान पर, जहां एक ग्राहक का 42,000 रुपये महिलाओं ने इसी दुकान पर से उड़ा दिया। अभी भी उस घटना का खुलासा नहीं हुआ और इस तरह की घटना हमारे चौराहे पर क्रम से होती रही है, आज मेरे वहां घट गई जिससे मैं हतप्रभ हूँ। महिलाओं की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई।
गोरखपुर जनपद के मोहद्दीपुर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर सेंटर इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी का 41वां अलौकिक जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हुमायूंपुर सेवा केंद्र इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी का कहना है कि हमारा दो जन्म होता है, एक माँ के गर्भ से जब हम इस संसार में आते हैं और दूसरा जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का अलौकिक प्रकाश जगता है, और इस तरह से हमारा दो जन्म दिवस हो जाता है, एक लौकिक यानी इस संसार में आने का और दूसरा अलौकिक यानी आध्यात्मिकता की रोशनी से जब हमारा जीवन जगमगाता है। आज के इस भव्य समारोह में बीके सुशीला, बीके कंचन, बीके प्रिया, बीके नीरू, बीके पारुल, बीके नीलम और बहादुर भाई सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 36 साल से हम गोरखपुर में सेवाएं दे रहे हैं। जीवन में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन परमात्मा की मदद थी कि सफलता मिली मुझे। यही विश्व की सेवा में हम लगे हुए हैं कि हर आत्माओं का कल्याण होता रहे। गोरखपुर जनपद में आज 45 केंद्रों पर नीट की परीक्षा कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार संपन्न हुई। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित इस परीक्षा में कुल 20,740 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन पहले से ही कर रखा था। छात्रों ने बताया कि इस बार का पेपर काफी टफ रहा है। पिछले बार की तुलना में, पिछले बार की जो अभी 2020 का पेपर हुआ है उसके तुलना में ये पेपर काफी टफ था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है वो केवल एक चैप्टर से ज्यादा वेटेज दे दिया था, एक एक चैप्टर इस तरह पर काफी यानी टफ था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में किसान नौजवान पटेल यात्रा आज गोरखपुर पहुंची। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज सुबह 9 बजे से देवरिया से चले, जिनका चौरी चौरा, फुटहवा इनार, मोतीराम अड्डा, रामनगर, करजहां, मोहद्दीपुर होते हुए महानगर के हरिओम नगर स्थित नेपाल क्लब पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार झूठी सरकार है, इसलिए प्रदेश का अस्तित्व बचाना है तो 2022 में अखिलेश यादव की सरकार को लाना होगा। गोरखपुर में अपार समर्थन मिला, इस यात्रा को किसान नौजवान पटेल यात्रा को भारी समर्थन मिला, 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।